हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान आपको सही रास्ता दिखाएं, आपकी ज़िंदगी की सारी उलझनें भगवान दूर करें। कोशिश करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि हम आपके ज़िंदगी की जो उलझने हैं उनको सुलझा सके, आपकी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखा सके। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं भगवान आपको सही रास्ता दिखा सके और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर तीन नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तीन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको उनमें से कोई एक नंबर जो आपको पसंद हो उसे चुनना है। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैं इस नंबर को, हे इष्ट, मैं इस नंबर को चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ, मेरे दिमाग के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो, मुझे सही रास्ता दिखा दो, मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सी अशुभ और शुभ घटनाएँ होने वाली है उससे संबंधित मुझे कुछ संकेत बता दो। यानी कि हमारी ज़िंदगी में होने वाले कुछ बुरे ख्यालातों के भी भगवान हमें संकेत दे देते हैं। तो दोस्तों हम भी प्रार्थना करेंगे कि इन नंबरों में आप ऐसा नंबर चुने जिससे कि आपको सही रास्ता दिख सके, आपकी सारी उलझने दूर हो सके, साथ ही आपकी ज़िंदगी के तमाम क्वेश्चनों का यानी कि प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नंबर चूज कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर यानी कि नंबर वन की। जिन लोगों ने नंबर वन चुना है, आइए जानते हैं उनके लिए टैरो कार्ड कौन कौन से खुले हैं और क्या कहते हैं। दोस्तों जिन्होंने भी नंबर वन कार्ड चुना है उनके लिए कार्ड खुला है सेवन ऑफ कप्स। देखिए दोस्तों, सेवन ऑफ कप्स आपके बारे में क्या कहता है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जानना होगा हमें कि सेवन ऑफ कप्स क्या है। देखिए यह कार्ड बताता है आप अपनी भावनाओं के बारे में बहुत अनिश्चित महसूस कर रहे हैं और आप जिसे अपना साथी बनाना चाहते हैं उसकी तरफ जाने के लिए सही रास्ते की तलाश करेंगे। ढेर सारे काम के बोझ और कई दूसरी समस्याओं के कारण आप अपने साथी को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। अविवाहितों के लिए किसी के आकस्मिक भेंट की यानी कि जो अनमैरिड है उनकी किसी से मुलाकात होने वाली है। जो चेहरा आपने दिमाग में सोच रखा है अगर उससे आपकी मित्रता हो जाती है, उससे आपकी मुलाकात हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि रिश्ता कायम रहेगा, रिश्ता आगे बढ़ने की कगार पर है। साथ ही दोस्तों जो भी चेहरा आपके दिमाग में चल रहा है वो जिसे देखकर सोचकर आपने इस नंबर को चूज किया है तो ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। प्यार के लम्हे शुरू होने वाले हैं, वो खुशनुमा पल जो ज़िंदगी भर आपके लिए यादगार साबित हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका सेवन ऑफ कप्स वाला कार्ड बहुत ही अच्छा निकला है। चलिए अब नंबर वन के लिए एक दूसरा कार्ड और समझ लेते हैं कि कौन सा है, साथ ही आपको डिटेल भी बता देते हैं सेकंड नंबर के कार्ड की। तो नंबर वन के लिए सेकंड नंबर का कार्ड खुला है एस ऑफ वांड्स। यह कार्ड बताता है कि अब आप एक गंभीर और चिरस्थायी संबंध की खोज में हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्ड है। चिरस्थायी मतलब जहां आपका मन स्थिर हो।
ये कार्ड यह भी बताता है आपको कि इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चिर स्थायी संबंध ऑटोमेटिक आपके पास खुद आएगा और अब आप एक गंभीर रिलेशन यानी कि सीरियस हो गए आपके रिलेशन के लिए। और वास्तव में आपकी रुचि दूसरे प्रेम प्रसंगों में नहीं है, आप किसी एक ही बंदे के लिए सीरियस हो चुके हैं। जिस भी बंदे का चेहरा आपके दिमाग में चल रहा है दोस्तों, अगर आप उसके लिए सीरियस हैं और वो भी आपके लिए सीरियस है, तो ये रिश्ता फ्यूचर में ज़रूर आगे बढ़ेगा। आप एक नई शुरुआत की खोज करना चाहते हैं और शादी की या लिव इन रिलेशन की संभावनाएं भी हमें दिखाई दे रही हैं आपकी। आप अपने परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार से जल्दी ही अपने संबंध की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और यकीनन वो भी इन चीज़ों को जरूर समझेंगे और आपके रिश्ते को फ्यूचर में मंजूरी जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना होगा कि जो रिलेशन आपकी तरफ से है, जो ईमानदारी आपकी तरफ से, जो सत्यता आपकी तरफ से है, जो विश्वास आपकी तरफ से है, वही के वही विश्वास और ईमानदारी आपके पार्टनर की तरफ से भी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, तो उस रिलेशन को वहीं ख़त्म करने में आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि प्यार कभी भी एक तरफा सही नहीं होता है। इन फ्यूचर आगे जाकर वो आपको दिक्कत दे ही देता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर दो की। तो नंबर दो जिन्होंने भी चूज़ किया है, यानी कि किसी का चेहरा देखकर अगर आपने नंबर दो चूज़ किया है, तो चलिए जान लेते हैं नंबर दो के लिए कौन से कार्ड खुलने वाला है। नंबर दो आपके लिए खुला है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। ये कार्ड पेज ऑफ स्पोर्ट्स दिखाता है कि इस समय आप दिल के मामलों में और व्यक्तिगत संबंधों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप खराब समय से गुजरे हुए हो सकते हैं और अपने जीवन को सामान्य राह पर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पाएंगे कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ हो सकती है जिनके कारण आपको चिंता होगी, लेकिन चिंता ना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सारी घटनाओं से, सारी मुसीबतों से लड़ने की आपको भगवान ताकत देंगे। चलिए अब नंबर टू के लिए दूसरा कार्ड ओपन करते हैं, किंग ऑफ पेंटाकल्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आपके लिए सेकंड नंबर वालों के लिए दूसरा कार्ड खुला है। यह कार्ड दिखाता है कि आप थोड़े परेशान या निराश हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथी के द्वारा कुछ वादों को तोड़ा गया था। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं, तो आपको अनुभव होगा कि आपके संबंध में विचारों के स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान की कमी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप एक दूसरे से कोई बात छुपा रहे हैं, एक दूसरे को कोई बात करना पसंद नहीं करते हैं, दोनों आपस में जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिस वजह से आपका रिलेशन स्थायी नहीं हो सकता। और किसी भी संबंध की सफलता के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, आप एक दूसरे को समझें और अपने दिल की सारी बातें आप एक दूसरे को बताएं। अगर ये चीज़ें की आप में कमी है, तो ये रिलेशन आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसे आप फिनिश कर दीजिए। और अगर उस रिलेशन को आपको आगे बढ़ाना है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मजबूत करिए, आप बातचीत करें, और एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ आपको समय भी बिताना होगा। अगर आप एक साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलेशन फिनिश करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आगे जाके आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, और फ्यूचर में आपको एक अच्छा पार्टनर उनमें दिखाई दे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो यही संकेत मिल रहे हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो कमज़ोर है, जिसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है कम्युनिकेशन, तो आपको रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नंबर थ्री की। जिन्होंने भी नंबर थ्री चुना है दोस्तों, आपने जिस भी चेहरे को अपने दिमाग में रखा है, उसे
देखते हुए आपने अगर नंबर 3 चुना है तो आप समझ लेते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड खुलने वाला है। ओ नाइस, आपके लिए खुला है द हाई प्रिस्टेस। जी हाँ दोस्तों, द हाई प्रिस्टेड यह कार्ड बताता है कि लोगों और स्थितियों को समझने के लिए आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि अगर आपको सामने वाले को और उनकी कंडीशनों को समझना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। आपको उन चीज़ों के बारे में जिनमें आपका प्रेम लाइफ लव शामिल है, स्वतंत्र निर्णय लेने की आपको ज़रूरत है। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपका साथी आपको बहुमूल्य सलाह देगा, बहुत अच्छी सलाह दे। और भी कि ऐसा लगता है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ ऐसा जाने जो बिल्कुल ही अप्रत्याशित हो, चाहे वो अच्छा हो या खराब। यानी कि दोस्तों, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि आपको कुछ ऐसी घटना आपके पार्टनर के बारे में मालूम पड़ सकती है जो कि बहुत ही खराब भी हो सकती है और बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसा भी है, खुद निर्णय ले, स्वतंत्र निर्णय ले, किसी और पर डिपेंड बिल्कुल भी ना रहें और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। और भगवान से प्रे करें कि भगवान सारी लड़ाइयों से, सारी मुसीबतों से लड़ने की हमें ताकत दे। चलिए अब दूसरा कार्ड आपके लिए हम खोल देते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थर्ड नंबर के लिए चुना है हमने, सेकंड वाला कार्ड। ये बताता है किसी मित्र से पुनर्मिलन की संभावनाएं हैं जो आपके बचाव के लिए आएगा और खरीदारी करते हुए या कुछ आनंद की गतिविधियों में से बाहर आपको निकालेगा ताकि आप बेहतर महसूस कर सके। यानी कि कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है जिसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। आपको कुछ प्रसन्न रहने की आवश्यकता है क्योंकि छोड़े जाने के कारण आपके रोमांटिक जीवन में कुछ असंतोष आ सकता है। प्रसन्न रहे क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है और जो आपका रोमांटिक जीवन है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होने वाला है तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। अगर रिलेशन ख़त्म हो रहा है तो उसे ख़त्म होने दीजिए, आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। बस विश्वास की डोर कायम रखे। जहाँ विश्वास की डोर टूटी, जहाँ ईमानदारी का सत्य डगमगाया, वहाँ पर आपका रिलेशन ख़त्म करना ही बेटर होगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी है आपसे इन तीन नंबरों के बारे में, 1, 2, 3 के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो और आपकी लाइफ की कुछ उलझनों को हम किसी हद तक दूर कर पाए हो, कुछ क्वेश्चंस के आपको हम आंसर दे पाए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस चल रहा है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।